फोन किया और कहा, हेलो, मैं फल्ला फल्ला सिंह बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? प्रोफेसर आनंद बोल रहे हो? हमको लगा ना कि जी बोल रहे, हमको लगा ना कि कोई बच्चा बोल रहा है। टेस्ट लिया था हाल फिलहाल में सुपर 30 का, उस टेस्ट में बच्चा कोई फेल कर गया तो आवाज बदल के हमको डरा रहा है। हम बोले कि तुम कौन बोल रहे हो भाई? तो बोला कि मैं फल्ला फल्ला सिंह बोल रहा हूँ, नहीं पहचानते हो? ऐसे आदमी को मैं बेउर जेल से बोल रहा हूँ, मुझे पहचान लो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हम के चुप, बर्बाद करेगा, शर्म नहीं आता है तुमको? तुम कौन बोल रहे हो? अभी कॉल डिटेल निकलवाएंगे, पुलिस को कंप्लेन करेंगे, तो तुम्हारे पिताजी क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और कितना गंदी गंदी हरकतें करता है, क्या पापा जी सोचेंगे तुम्हारे? बताओ, चुप, रखो फोन। रख दिया फोन। उसके पास कोई उत्तर नहीं था, कि कोई किसी को भी कुछ करता था। फिर एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप था, उससे गुंडागर्दी मांगता था, क्या करता था, वो नहीं दिया तो उसको मर्डर कर दिया। 4-5 दिन बाद टीवी वगैरह में ब्रेकिंग न्यूज आने लगा, शहर में खलबली मची, इतना बड़ा, सबसे बड़ा व्यापारी को, सोना चांदी वाले का, इसने हत्या कर दी। भाई करवाता था उसका आदमी, बाहर रहते थे। फिर फोन किया उसी समय, क्या मजा आया। हमको थोड़ा डाउट हुआ कि उसका, उसकी हत्या हुई, उसका मर्डर हुआ, तुम्हारा ही बारी है। हम कि यार देखो, हम उस दिन फॉलो तुमको नहीं किए, फिर रख दो। हमको तब भी थोड़ा लगा कि अरे कोई आदमी हमको काहे के लिए, सीधा साधा मास्टर जो गरीब आदमी है, ट्यूशन पढ़ा के 30 बच्चा को भोजन करवाता, उसको इतना बड़ा क्रिमिनल क्यों लगेगा? तब तुम पटना कोचिंग एसोसिएशन का बात नहीं माने, क्या क्या बोलो? तब हम तो गाली उली देने लगा, डाउट हुआ। पुलिस को हमने रिपोर्ट किया, पुलिस कहा बताइए नंबर क्या उसका आया है। हमने बताया ऐसा ऐसा नंबर है। अरे वो ओरिजिनल क्रिमिनल है, आप उसको नकली समझ रहे हैं, ओरिजिनल है, घर से मत निकलना, मार देगा आपको। हम फिर हमको मत बोलना। मैं डर गया कि भाई तो क्रिमिनल लग गया ओरिजिनल हमारे पीछे। 5-6 दिन डर से घर से नहीं निकला, फिर मजबूरी थी, कितना दिन डर के रहता भाई। मुझे लगा कि भाई ट्यूशन पढ़ाना है, घर से बाहर जाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, पैसा लाना है कमा के घर में, तब ना बच्चों को खाना देंगे, अपने खाना खाएंगे, कहां से हमारी स्थिति होगी। मैं गया, एक दिन संडे को जब मैं गेट से निकल रहा था तो घात लगाए हुए 15-20 अपराधी मोटरसाइकिल से आए और घात लगाए हुए। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, गोली चलाने लगे, छुरा चलाने लगे। मुझे बचाने के लिए मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ, आप देख रहे हैं, बाहर निकला, उसके पेट में आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक चाकू से पूरा फाड़ दिया। मुन्ना नाम था इसका। जब इसका लाइफ खतरे में आ गया, तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन स्लम इलाके में थे, उसका एक फायदा हुआ, गांव था वहां, सभी लोग जोड़े क्या हुआ क्या हुआ, निकले डंडा लाठी लेके, तब तक वो भाग गया फायर करते। उसको हम लोग तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए, बेहोश था। हमारे दोस्त, परिवार, मित्र, समाज, मोहल्ला, सबका छोड़ दो, क्या जरूरत है ऐसा समाज सेवा करने का, बच्चों की भलाई करने का, कि बावजूद इसके तुम्हें गोली लग जाती तब क्या होता, ये बेचारा मर जाएगा तब क्या होगा, बताओ, छोड़ दो ऐसा। कोचिंग चलाना चलाओ, कोटा चल जाओ। मैं भी सोचा कि बेकार चला रहा हूं। उतने में डॉक्टर साहब आए, बोले कि देखो भाई, इसको बचाने के लिए 5-7 बोतल ब्लड चाहिए, ऑपरेट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। हमारे सभी बच्चे 300 पीछे खड़े थे, बोले सर मेरे ब्लड टेस्ट कर लीजिए, मेरा ब्लड का ग्रुप कर दीजिए, 300 चाहता था मेरा ब्लड ले ले। और 300 बच्चा 3 महीना तक लगातार 2-2 की पारी बना के, सिर्फ बना के इसका सेवा किया, इसको बचाया। तब मुझे लगा चाहे मुझ पर गोली चले, भाला चले, क्रिमिनल लग जाए, कुछ भी है, सुपर 30 नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे इतना प्यार देते हैं चाहे जो। दूसरा बार हमला हो गया, तीसरा बार हुआ, छोटा छोटा टैक्टा हुआ, तब हम लोगों ने नारा लगाया बच्चों के साथ, भैया हमला क्यों होता है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, हमला क्यों होता है। तब सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 बॉडीगार्ड दे दिया, 2 कमांडो ही आपके साथ रहेगा, कोई हमला नहीं करेगा। अब इसको लेके घूमना मुश्किल हमको हो गया। छोटी सी गाड़ी, दो ऐसी व्यवस्था, पॉलिटिशियन टाइप का दोनों रहे। अच्छा, बीच में एक बात बता रहे हैं, ये जो ये करीब बात 10 साल के पहले की है, ये एक बॉडीगार्ड जो देख रहे हैं इस साइड, उसका 8वां क्लास, ये बॉडीगार्ड का भी तो बिहार पुलिस की होती है, इसका भी ट्रांसफरेबल जब ट्रांसफर होता है, लेकिन ये इस साइड का आदमी तो ट्रांसफर नहीं करवाता था, एसपी को जाके हाथ पैर जोड़ के हमारे ही पास रहता था। इसका बच्चा बहुत गरीब था, साधारण नौकरी थी इसकी, इसका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे आके देखता था कैसे पढ़ाई चला जाता था, आके देखता था। 10वीं के बाद ही हमारे पास आया, ये पढ़ा इसका बेटा, और
पिछले के पिछले साल आईआईटी खड़गपुर में चला गया इस बॉडीगार्ड का बच्चा। तो ये दोनों रहने लगा हमारे साथ, तो हमें बोला भाई, तो वाइफ बोली एक दिन कि चलिए थोड़ा पार्क में, बहुत दिन हो गया घूम घूम के आते हैं। ये लोग बोला चलिए हम भी सर चलते हैं पीछे पीछे आपके। हम कि भाई तुम कहाँ जाओगे पीछे, हम लोग को घूमने दो। तो नहीं सर हम पीछे पीछे चलेंगे, कहीं कोई मार उड़ दिया तो फंस जाएंगे हम आपको। तेईस जिंदगी की पत्नी भी कभी कभी बोलती है कहाँ से शादी करके फंस गए, न फिल्म देख पाते हैं ठीक से, न मार्केटिंग कर पाते हैं ठीक से। हम कहे अच्छा चलिए क्या करिएगा, बर्दाश्त करिए, फिर ऐसे ही होता है। एक बार पत्नी बोले कि नहीं चलिए पानी पूरी गोलगप्पा ये सब खाते, बड़ा दिन हो गया बटाटा पूरी भेल पूरी सब मिलता, चलिए खाते हैं। हम कहे चलिए, ये दोनों कहा चलिए, हम कहे तुम पीछे रहना थोड़ा। हम लोग बात करते करते 3-4 किलोमीटर शाम का वक्त था, मौसम अच्छा था, चले गए 4-5 किलोमीटर दूर पर एक ठेले पर बेचारा बेच रहा था पानी पूरी। खाए हम लोग, पूछे कितना रुपया हुआ भाई, तो बोला 40 रुपया। हम दिया 40 रुपया, बोला कि नहीं नहीं सर आपसे पैसा नहीं लेंगे। हमें क्यों मरे, तब कि हम आपको पहचानते सर, आपसे पैसा नहीं। हमको बहुत खुशी हुई कि देखो चाट पकौड़ा वाला भी हमको पहचानता है। फिर थोड़ा डाउट हुआ, हम पूछे अच्छा मैं हूँ कौन बताओ भाई, तो बोला कि सर आपको नहीं पहचानते हैं। अरे आप ही ना सामने थाना है, उसी का थाना प्रभारी या दरोगा इंस्पेक्टर कुछ होंगे सर, तो आपके पास सिका सिपाही दो खड़ा है, हमारी औकात है आपसे पैसा ले लेंगे सर। ये पुलिस का है, पुलिस चाहे महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, इवन दिल्ली पंजाब हर जगह कहीं ना कहीं करप्शन है। और ये हम आप देखिए बीच बीच में कुछ सामाजिक मुद्दा, स्कूल की खराब स्थिति, पुलिस की बर्बरता, इस पर हम लोग को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। खैर अब अटैक वगैरह नहीं होता, अब नकली सुपर 30 खुलता है। यहाँ कुछ लोगों ने अभी चलाया, बीच में हम बताना चाहे कि यहाँ पर अभी हम हिरेन शाह जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भाई यहाँ भी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं कमजोर वर्ग के, उनको आप कुछ करिए। तो हम हमारे शिष्य अनिरुद्ध सिन्हा जी बैठे हुए हैं और उनके साथी लोग हैं जो बॉम्बे में यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि देखो भाई पढ़ाओ उन बच्चे को, फ्री में पढ़ाओ, एक रुपया नहीं लो, और कहीं गवर्नमेंट से बात करो अगर बच्चों को कुछ स्टाइपेंड मिलता है, कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, ताकि उनके माता पिता भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो तुम जरूर प्रोत्साहित करो। हिरेन शाह जी की देखिए दरिया दिली, इन्होंने बोला कि चलिए कुछ हमें भी खर्च करना पड़ेगा, इस स्कूल से जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा लगाना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। लेकिन हम लोगों को दो चीज दिखाना, हिरेन शाह जी ने बोला, पहली चीज तो ये दिखाना है कि गरीब से गरीब तबका, इस बोईसर में लोगों को दिखाना है कि गरीब से गरीब तबका भी पढ़ाई के बल पर कितना आगे निकलता है, पहली बात यह दिखाना है। दूसरा दिखाना जो अखबारों में छपता है कि बिहारी उत्तर प्रदेश के लोग मराठा के लोग सब भिन्न है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती, दिखाना है कि नहीं सब मिलके एक इतिहास बना सकते हैं और एक दूसरे को मदद करके एक नया देश की कल्पना कर सकते हैं, नए देश की। ये भी दिखाना, हम लोग को मैसेज देना है। हम लोग इसका विरोध नहीं करें कि क्यों मराठा और बिहारी में लड़ाई, इस पर डिस्कशन नहीं करें, लेकिन हिरेंद्र जी ने बोला कि हम लोग कुछ अच्छा काम करके दिखाएं, यही सबसे बड़ी बात है। समस्याओं के बारे में बोलना, उसके बारे में गंदी चीजों को उछालने से अच्छा कुछ, मैं इनका दीवाना हो गया, फैन हो गया, और मैं कहा कि नहीं मैं यहां पर चलाऊंगा, और यही नहीं बल्कि आपके स्कूल को भी, यहां जो बच्चे पढ़ रहे उसके लिए नया कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कुछ नया स्कीम पढ़ाऊंगा, और यहां जो बच्चे पढ़ रहे वो भी आईआईटी में जाए, इस स्कूल में, इस कैंपस में जो पढ़ रहे हैं, और शुरुआती कक्षा से कैसे इसमें बदलाव लाया जाए, इसके लिए मैं भी टाइम टू टाइम पटना से यहां बॉम्बे आकर 2-4 दिन रहकर मेहनत करके इस स्कूल को सोचाई पर ले जाऊंगा, जिस विश्वास के साथ माता पिता बच्चों को भेजते हैं। अब क्या है स्कूल में, बीच में मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है, इनसे बात हुई, अनिरुद्ध जी से बात हुई, तो मैंने बताया कि आईआईटी कुछ नहीं है, इसमें सोचने की क्षमता कैसे विकसित हो, यही बात है। तो यहां के बच्चे जैसे हम लोग सिखाते हैं 28-38 को जोड़ो, 8-8-16 का 6 बाकी 1 अगले लाइन में अगले कॉलम में क्यों जोड़ते हैं, हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम लोग बच्चों को सिखाते एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है नहीं सिखाते। तो सोचने की प्रवृत्ति क्षमता घटती है बच्चों में, और बच्चे रटते हैं मैथमेटिक्स साइंस, ये सब बोझ लगता है, तो उससे दूर कैसे किया जाए, मिलजुल कर काम किया जाए। और इससे हिरेंद्र शाह जी को कहा कि आप स्कूल से जो बच्चों से फी लेते हैं उसका सदुपयोग बच्चों पर करिए, हमें अरिनुष सिन्हा को या किसी को एक रुपये आपसे लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम आए तो रहने ठहरने खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिएगा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए एक बार जोरदार ताली आप शाह जी के लिए करिए कि जो जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो खैर
ये असली सुपर 30 के प्रयास से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन नकली सुपर 30 भी खुला, फिर कोई सुपर 100 नाम से खोल रहा है, कोई सुपर 20 खोल रहा है, कोई गया सुपर 30 खोल रहा है, कोई बगस सुपर 30 खोल रहा है, कोई राजा बाजा सुपर 30 तक खोल लिया। लेकिन नहीं, हमारे आने का मकसद ये, कहीं भी पूरे देश में सिवाय बोईसर के, आप पता करिएगा हमारे वेबसाइट पर, फेसबुक पर देखिएगा, सिवाय बोईसर के कभी भी सुपर 30 जैसा मिलता जुलता कार्यक्रम के लिए आज तक देश में मैं कहीं नहीं गया। बोईसर में ही बड़ा दिल देखकर हीरेंद्र शाह जी का मैं सुपर 30 के एक वीडियो था, मैं कभी दिखाता, फिर दिखाऊंगा कभी। लेकिन इतने संघर्षों के बाद यहां भी चल रहा है, बिहार में इतना संघर्ष करने के बाद मेरे दोस्तों मीठा परिणाम आया। ऐसा मत समझिएगा कि आप मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे और आपका मेहनत बेकार जाएगी, मेहनत बेकार कभी नहीं जाएगी। पहले साल हमने सोचा कि इस ग्रुप से अगर 5 बच्चे IIT निकल जाता तो मेरा प्रयास सफल है। पहले ही साल 30 में 18 बच्चे IIT किए, फिर 22 किए, फिर 26, 3 साल तो लगातार पिछले 14 सालों में 30 के 30 बच्चे IIT किए। देखिए उसके बाद कई अवार्ड मिले, कई आपके फिल्मी नेता अभिनेता इन लोगों से बॉम्बे दिल्ली में मुलाकात हुई, कई बार कार्यक्रम साथ में देने का मौका आया। जेम्स कैमरॉन टाइटेनिक फिल्म बनाया अवतार, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बोलने का मौका मिला। कहीं मैं जाता हूँ, अभी तो यहाँ नया हूँ बोईसर के लिए, महाराष्ट्र में आप लोग आए, जहाँ उत्तर प्रदेश बिहार, जहाँ लोग धीरे धीरे जान गए, इस काम को समझ गए, 2-4 साल में यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस बोईसर इलाके में पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई का माहौल बनेगा, इसी स्कूल के बच्चे बोर्ड में रिकॉर्ड बनेंगे, तो यहाँ भी इसी तरह की भीड़ जुटेगी। जहां भी जाते हैं पूरा मीडिया लग जाता है, जहां पर इस काम चल रहा है उसके आसपास का लोग घिर जाते हैं, पूछते हैं, और कभी कभी तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है, ऐसी भीड़ लगती है। तो नेता सोचा इसका भी फायदा उठा दो भाई। पिछले लोकसभा में कुछ पार्टी से लोग आए कहे चुनाव लड़ जाओ, एक पार्टी से लोग आए कहे भाई हमारे पार्टी से लड़ जाओ लोकसभा का चुनाव, लहर है इस बार, लैया चढ़ा दो, पार लगा दो। हम कि भैया हमको सोचने का मौका दो, हमारी इच्छा नहीं। तो नहीं सोचो ना, नहीं बोलो, सांसद बन जाओगे, हो सके सरकार बनी नहीं हमारी, मंत्री भी बन जाओगे, बड़े तौर पर तुम बदलाव लाओगे, एक सांसद एक मंत्री बड़ा बदलाव ला सकता है, इसलिए तुम सोचो। बहुत लोभ दिया, बड़ा क्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में तुम्हें, 30 बच्चों को खिलाने के लिए दिन भर बोल बोल के ट्यूशन नहीं पढ़ाना पड़ेगा, कुछ कुछ किया। रात में मैं सोच में भी पड़ गया कि शायद देखते हैं भाई पुलिस क्या सोच रहे हैं, बताया कि ऐसी सी बात है। तो ये देखिए भाई, नेता होता बन जाए तो सबसे पहले हम ही भाग जाएंगे आपको छोड़कर, क्योंकि मैं नेता के से शादी नहीं की हूँ, आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उसी में मैं साथ देती हूँ, इसीलिए शादी करूँगी। चलिए भाई आप मत भागिए, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नेता नहीं। फिर क्या हुआ, सोचिए कि आज मैं संसदीय चुनाव लड़ता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जीत जाता, लोकप्रियता देखते हुए सांसद भी बन जाता। लेकिन क्या इतना होने के बावजूद आप ईमानदारी से बोलेंगे हीरेन शाह जी, क्या एक सांसद को यहां बोईसर में बुलाते और एक सांसद के लिए आप लोग 4-3 घंटा क्या इंतजार करते? तो मुझे नहीं ऐसा सांसद बनना, एक शिक्षक ही बने रहना अच्छा है जिसके लिए आप लोग घंटों इंतजार किए। मुझे इसी पर गर्व है, मुझे इसी पर नाज है। मेरे दोस्तों चलते चलते आखिरी में 4-5 मिनट में सक्सेस मंत्र क्या है, कैसे बच्चे पढ़ते वही बता रहे थे, उनको हाउ एंड व्हाई सिखाते हैं, चीजों को गहराई के साथ सिखाते, जो अब स्कूल में चलने वाला है उसके प्रूफ को बताते क्यों ऐसा होता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि आपके पास ST SC बच्चे होते, नहीं 1-2-3 बच्चे ST SC के होते, लेकिन एक SC बच्चे के, दलित बच्चे की मैं कहानी सुना रहा हूं। ये अभिजीत है, हमारे पास आया 4-5 दिन में छोड़ के भाग गया, नहीं सर मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता है, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, बड़े 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 स्कूल जिसके 6ठे क्लास से IIT के लोग तैयारी करते हैं, मैं तो 10वां पास करके आऊ, मुझसे नहीं होगा सर, प्लीज हमको छोड़ दीजिए। भाग गया, फिर गांव से फुसला के लाए। तब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया, दो हमने करैक्टर बनाया और इसी दो करैक्टर के आधार पर पूरी पढ़ाई की। एक रिक्की का बनाया जिसमें दिखाया कि भाई अमीर घर का बच्चा है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, 5-स्टार होटल जैसी इसकी स्कूल है, दिन भर पढ़ता है, लेकिन भोलू दिन भर सोचता है,
पढ़ाई करता है बच्चों, जो भी बच्चे हैं वहां बता रहे हैं। आज से जो यहाँ पर एक बीच में और बात बताए, भोलू जैसे बच्चे ही हमारे बच्चे हैं जो दिन भर सोचते हैं, पढ़ाई के साथ साथ सोचते हैं। और यहाँ पर कौन कौन बच्चे हैं, जो हिरेन्द्र शाह जी ने यहाँ प्रोग्राम शुरू किया है बच्चों के लिए जो निर्धन परिवार से आते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते, उसके लिए शुरू किया है उस प्रोग्राम का मैं आज से नाम देता हूँ उस प्रोजेक्ट का, उड़ते परिंदे। यही परिंदे आगे उड़ेंगे और बोईसर का नाम देश विदेश में फैलाएंगे। तो कोई प्रोग्राम से आए हुए बच्चे वो लोग हाथ उठाएंगे, जो बच्चे उड़ते परिंदे के हैं, जो स्पेशल डांडेखा, तो ये बच्चे हमारे देख सकते हैं आप लोग पेरेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, हाथ नीचे करिए, हम भी आएंगे तो आपके सामने ऑफलाइन में, कभी कभी ऑनलाइन के जरिए मैं भी आप लोगों का क्लास लूंगा उड़ते परिंदे के बच्चों का। इन्होंने हिरेन्द्र शाह जी ने इतना बड़ा काम किया इस इलाके में, बच्चों को दे रहे इतना ट्रेनिंग हम, और मुझे अच्छा लगा लोग पहले ही बुलाते हैं कि आइए आनंद जी यहाँ प्रोग्राम शुरू करते हैं, तब हम आपको पहले बुलाते हैं तब शुरू करते हैं। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम को शुरू किया, एक महीने से ज्यादा से क्लास ले रहे हैं बच्चों को रेगुलर, इन्हें पैसे देने की भी बात कर रहे हैं, तब हम आए। इसलिए एक बार और आखिरी बार इनके लिए ताली हो। ये आता है दो कार्टून बनाया, अब उड़ते परिंदे के बच्चा है भोलू भाई, अब क्या है भाई, अब रिक्की है बड़ा हाई फाई बॉम्बे का एक बड़ा स्कूल में पढ़ता है भाई, और ये क्या है मोटरसाइकिल से जाता है बाइक से जाता है, लेकिन बेचारा उड़ते परिंदा का बच्चा भोलू साइकिल से ही काम चलाता है, ये हॉट डॉग पिज्जा चाउमीन बर्गर सब खाता है, ये बेचारा दाल भात सब्जी भुट्टा मक्के ही से काम चलाता है, हाय हेलो बोलता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ये बेचारा प्रणाम करता है, जैसे ही एक सवाल आईआईटी का आता है सबसे पहले बनाता है रिक्की, और रिक्की बना के उसे आपको दिखाता है, आगे बढ़ाई तो फिर उसको दिखाता है कि भाई देखो तुम ये बनाए, हमने बनाया तुमसे आज तक नहीं बना, तुम क्या पढ़ते हो उड़ते परिंदे ग्रुप में, तुमसे सवाल नहीं बनता है, देखो मैं बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, पैसे वाले का बेटा हूँ, बॉम्बे में पढ़ता हूँ मैं बनाया, तब अब छोड़ दीजिए हम बढ़ा लेंगे। तब ये बोलता है भोलू कि देखो मुझे ललकारो नहीं, पढ़ाई पैसे से नहीं होती है, पढ़ाई जुनून से होती है, पढ़ाई मेहनत से होती है, जिस सवाल को तुमने बनाया उसी का मैं दूसरा नया सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसी सवाल को तीसरे नए तरीके से बना रहा हूँ, उसी को मैं चौथे तरीके से बना रहा हूँ, उसी सवाल को एक और नए पांचवें तरीके से बना रहा हूँ, उसको जनरलाइज करा रहा हूँ, बताओ तुम हीरो हो या मैं हीरो हूँ, मेहनत करने वाला हीरो या पैसे के रखने वाला का बच्चा हीरो है, बता तू, इतिहास तू लिखेगा या मैं लिखूंगा, यही देख देख के सुपर 30 के बच्चे इतना उत्साहित होते कि कुछ भी करते हैं। सोशल इम्पैक्ट, ऐसे ही परिंदे जाते हैं आईआईटी में, अनूप जैसे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते अपने गाँव में छुट्टियों में जाकर, जो भी आसपास के निर्धन बच्चे हैं उनको इंस्पायर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको मेडिकल आईआईटी क्या है बताते हैं भाई। और ये चलते चलते आज ऑडियो खराब हो गया है, अब बता रहे हैं अमिताभ बच्चन जी हमारे प्रोग्राम और हमारे बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भी बता रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं। इन्होंने जब आरक्षण फिल्म बन रही थी तो प्रकाश झा अमिताभ बच्चन मुझे बॉम्बे बुलाया था दो तीन बार, मैं पढ़ा के दिखाता था, कहानी बताता था, उस पर आधारित आरक्षण फिल्म थी। जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो अमिताभ बच्चन जी कई जगहों पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया, अपने साथ मंच पर बैठाया, सुपर 30 के बारे में बोला और कहा कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में कुछ करने का जुनून है तो आप जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं, और कई जगहों पर गए। इसलिए अमिताभ बच्चन जी से मिलने का एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े कलाकार है, अदाकार है, उससे भी ज्यादा बड़े अच्छे बड़े दिल के एक इंसान है। तो मेरे दोस्तों अभी भी मैंने बताया जरूर आप फिल्म देखेंगे, जब फिल्म एक नई फिल्म जो पूरे सुपर 30 के बच्चों पर आधारित होगी और वो जब फिल्म रिलीज होगी तो मैं स्कूल परिसर में आज शाह जी को वचन देता हूं कि जरूर इसे स्कूल पर भी आऊंगा सभी कलाकारों को लेकर और आपको से मिलवाऊंगा और बच्चों को भी लेकर आऊंगा। अब अगली दफा कुछ बच्चों को भी हम यहाँ पर अपना सुपर 30 के पास आउट है जो बॉम्बे में रहते हैं निरुज जी से मैं कहूंगा उनको ले। तो अमिताभ बच्चन जी आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर मुझे ले गया, सम्मान किया, साथ में बैठाया बताया, तो ये मेहनत का सब फल है। और अभी एक किताब आई है सुपर 30 पर जिसमें हमारे और बच्चों के जीवन की कहानी है, उसको अभी राष्ट्रपति महोदय ने उसका रिलीज किया था और हम लोग राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बुला के सम्मान रिलीज किया, ट्वीट पर दिखाया। चलते चलते चार मंत्र मैं बताऊंगा,
बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, किसी के लिए विचारबंध जो मैं सुपर 30 में अजमाता हूं, और सुपर 30 के बच्चे इतिहास बनाते हैं। पहला है ट्रेमेंडस थ्रस्ट, प्रबल प्यास होनी चाहिए सक्सेस के लिए। आप सच में चाहते हैं कि कुछ जीवन में नया करें, जीवन में कुछ बड़ा करें, तो प्रबल प्यास का होना मेरे दोस्तों जरूरी है। सोते जागते खाते पीते पूरा फोकस रहिए कि मुझे ये काम करना ही है। दिन भर आपके दिमाग में सोचना चाहिए, ओ फिजिक्स का फॉर्मूला, वो केमिस्ट्री वाला, अच्छा वो ऐसे था, वो प्रॉब्लम नहीं बना। ये सभी परिंदे हमारे जो हैं उड़ते परिंदे, उनके लिए भी जरूरी है। दूसरा कि पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। कभी भी मत सोचो बच्चों कि मुझसे नहीं होगा, हो सके मंजिल बहुत दूर हो सके बहुत बड़ा पहाड़ सामने दिखाई दे रहा हो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखो कि मुझे करना है। मैं बच्चों को सिखाता हूं कि जहां तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट आया गया, इस बार जेई मेन का रिजल्ट आया उसी का परिणाम था, 300 बच्चे क्वालिफाई कर गए, और लग रहा है एडवांस में भी 300 बच्चे इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे 30 out of 30। तो कभी भी निराश ना हो, मेहनत करो। और तीसरा है कि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, हिंदी में और अच्छा शब्द है अथक प्रयास, बिना थके हुए चलते रहो। आज जो हम आपके सामने है सुपर 30 में इतना अच्छा रिजल्ट है, उसके आधार पर साजिए, बच्चों को बुलाए, यहाँ पर अच्छा पढ़ा रहे, सब परिणाम क्या है इतना सुपर 30 के उन बच्चों का जो 14-14, 15-15 घंटा हमारे पढ़ाने के बाद पढ़ते हैं, हमारे पढ़ाने के बाद भी इतनी मेहनत करते हैं, उन बच्चों की ताकत है, उन बच्चों का परिश्रम है। बच्चा पढ़ते पढ़ते थक जाता है, सर चखलाने लगता है, मैं जाता हूं 20 रुपया निकाल के देता हूं, जाओ चाय पी के आ जाओ, थोड़ा फ्रेश करो अपने आप को, क्या बोलता है, नहीं सर कभी नहीं। आपने ही सिखाया थक प्रयास, आपने ही सिखाया इतिहास बनाना, हमें पूछे पढ़ना है। गरीब माता पिता जो हमारा सपना पाले हुए हमारे लिए, उनको पूरा करना है। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। लास्ट है ग्रेट पेशेंस, हिंदी का और अच्छा वर्ड है असीम धैर्य। आप में थ्रस्ट भी है, प्यास भी है, सकारात्मक सोच भी है, और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क कर रहे हैं बावजूद इसके, धैर्य नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बहुत बार बच्चे सवाल बनाते हैं, समझ में नहीं आता है, छोड़ देते हैं। हम जब भी बच्चों को चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते हैं, देखते हैं कौन कौन बनाता है, देते हैं, बच्चे जाते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, कहते सर नहीं बना, ये सब तो रूटीन प्रॉब्लम है, जो क्लास में पढ़ाई बन गई तो नहीं बना। हम कहते हैं एक रात और लगाओ, सर रात भर जग गए, फिर 2 दिन बाद आके बोलते रात भर जग गए नहीं बना, कुछ भी नहीं पता चला, नहीं सर पूरा अंधकार दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हम कह रहे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखा रहा है, कहां से सोल्यूशन मिलेगा। हम यही तो बात है, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, समझो बच्चों सवेरा की उतनी ही तुम नजदीक पहुंच रहे हो। इस भाव से बना के देखो, बच्चे बनाते हैं और बन भी जाता है। तो चलते चलते मैं यही बोलना चाहता हूं कि अभी एक हाथ कटा हुआ बच्चा आया, इसको हमने लिखना पढ़ना सब सिखाया। फेसबुक आनंद कुमार आप जाइएगा, लाइक करिएगा, तो बहुत सारे अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। और इसको मैं देखिएगा, जो हाथ कट जाने के बाद लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं, IIT अगले 2 सालों के बाद ही जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि धैर्य न तोड़े, अच्छा करें, जीवन बदलेगा आपका। और हमारा एड्रेस आप mail@, जो मेरा वेबसाइट पर जाएगा, आगे बढ़ाइए मैडम, एक आप देखिएगा, हमारा email ID है। दोस्तों कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप अमीर घर के हैं, गरीब घर के हैं, निर्धन, इससे कोई जाति धर्म के कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस ID को पर लिखिएगा, फेसबुक से कनेक्टेड रहिएगा, तो मैं आपको जानकारी दूंगा, कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो बताते रहूंगा। हमेशा यही सोचिए, धैर्य के साथ काम करिए, एक दिन जरूर तस्वीर बदलेगी। शाहजी है, हम लोग हैं इस इलाके में, IIT के लिए लोग जानेंगे, ऐसा विश्वास रखिए। मैं कहना चाहूंगा कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो दोस्तों, कश्ती जरूर निकल सकती है। निराश ना हो, मायूस ना हो, सिर्फ मेहनत कर, इस बोईसर की धरती की भी तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शाह सर टू वेलकम रवि अलावत सर। Thank you, sir. I would request Thakur sir to present a memento to Ravi Alawat sir.
Thank you, sir. I would request principal, sir, to welcome the guest arrived just now. Thank you, sir. Now I would request Vivek, sir, to address the gathering. Good evening, all. Well, it's been more than 2 hours since the session actually started. But this is the first time I'm not going to ask you whether you're, saturated or not, because this was such a wonderful event. Well, basically, speaking was not in my schedule or neither in the program schedule, but I just came over here on the dais to acknowledge my so-called fan following for Mr. Anand sir, who has been my role model not only from today, but it's like very long back once I read I heard about him in a news channel, and ever since then, he has been a role model to me. Basically, I've played cricket all my life, but Sachin Tendulkar was not my role model, though I admired him. But there are only three role models in my life. One of them is, first of all, my father. Second one is Anand sir. And third one is Mr. Biranchi Das. These three people have actually inspired not only me, but many individuals who know about them. And trust me, according to me, it is worth to have their fan following rather than following some other Bollywood celebs. That is something which I would like to say. First of all, sir, it was a real honor to have you here, and it is our pleasure to hear your thoughts, and possibly with all the positive thinking, I'm damn sure that not only our school, but this whole place, Boisar, is going to succeed in future under your guidance. And lastly, but not lately, I would just say, I was just reading once a book which simply mentioned, the book was so-called as 0 to 1. It said, going 1 to N is quite easy, whereas going 0 to 1 is the most difficult part. And technology is something that is going to take us in between from 0 to 1. And in that thing, I'm sure Anand sir and his support will help us. Once again, thanks personally from my side and also from the school for being here, for coming here. And thank you so much, sir. And I'm sure that you'll support us in the coming future. Thank you so much. Thank you, Vivek sir. I also agree with that. We all are honored to have Anand sir here. Anand sir, you are a multi-talented personality. I can say that from your, now we have learned that however difficult life seems, there is always something you can do and succeed at. I would like to add that management of Teams World Cooperative School and principal have put forward step ahead for the bright and successful future of the students. I would like to tell everyone present over here today that now let's join hands together and grab this golden opportunity to make the career of your child bright and successful. It is rightly said, your life doesn't get better expectation, it gets better transformation. There are three constants in life: change, choice, and principle. Thank you. I would like to call Suparna ma'am to give vote of thanks. Honorable Mr. Anand Kumar, invited dignitaries, learned teacher, and my dear parents and students, good evening to you all. I feel honored and privileged to get an opportunity to propose a vote of thanks on this historic occasion. May 27, 2017, it's a red letter day for all of us. In the vast sea of humanity and among the millions, we are one. Only a few with their remarkable achievements stand out as one among the millions. Such luminaries are star icons who carved a niche for themselves in this competitive world. One such luminary, Sri
Anand Kumar, founder of Super 30, has done a human service to the society by helping the underprivileged to leave the vilai dream at home. So, we are highly privileged that such an eminent educationist has chosen to spare some of his valuable time to be with us and share your depth in depth knowledge with us. I, on behalf of entire fraternity of TWCS of Boise, convey my deep regards and hearty thanks to Mr. Anand Kumar for sharing his vision with us. Thank you, sir, for being with us in spite of your busy schedule to boost up our spirit to make it a grand success. I would like to express our heartfelt gratitude to Mr. Anirudh Sinha. Your eminent presence has indeed made this event a memorable one. I extend my gratitude to Mr. Arif Qureshi, Mr. Ravi Ahlabad, Mr. Lokesh Sachdeva, Mr. Vaibhav Sinde for their gracious presence. Your presence will inspire us for years to come. I also very thankful to all our heads, Sir, Thakur Sir, Principal Sir, Vivek Sir and Jemmy Sir to make this life-changing ceremony a possible one. An event like this can't take place overnight. The wheels start rolling weeks ago. I would indeed be failing my duty if I don't express our gratitude to all our staff, teachers, students, class 4.